नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से महेंद्राज YouTube चैनल पर। आप सभी का पसंदीदा शो द करंट अफेयर्स लाइव यहां पर हो चुका है लाइव। आज है 21 फरवरी, तो चलिए शुरुआत करते हैं आप ही के द्वारा या आप ही में से एक व्यक्ति के भेजे गए मोटिवेशनल कोट से। और उससे पहले टेक्निकल टीम इस तरफ ले आइएगा। इस सेशन में क्या क्या होने वाला है उसके बारे में एक नजर दौड़ा लेते हैं। सबसे पहले आप ही में से भेजे गए एक मोटिवेशनल कोट को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद प्रीवियस क्लास का हम लोग यहाँ पर करेंगे रिविजन। उसके बाद उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु की अगर हम लोग बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो सिटीज हैं उनके निकनेम्स के बारे में भी आज डिस्कशन करेंगे, जो कि एक एक्स्ट्रा अपडेट आप सभी के लिए होगी। करंट अफेयर्स क्विज होगा, उसके साथ साथ न्यूज बॉक्स होगा, और आज का स्टेट ऑफ द डे है वो तमिलनाडु होगा, और तमिलनाडु राज्य के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मोहम्मद रशीद साहब का जो मोटिवेशनल कोट है वो आज यहाँ पर चुना गया है। वो ये कहते हैं कि सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती, नदियों को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती। जो बढ़ते हैं जमाने में अपने मजबूत इरादों पर, उन्हें अपनी मंजिल पाने के लिए किसी भी रथ की जरूरत नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सत श्री अकाल, आदाब, राधे राधे, जय श्री राम, सब कुछ हो गया भैया। और आप सभी को भी जी हाँ हैप्पी शिवरात्रि। आप सभी को भी महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जरा जल्दी से बताइएगा कितने लोग आज फास्ट रखे हुए हैं या व्रत हैं, तो पता चल जाता है, अंदाजा लग जाता है। ओके, तो चलिए सबके और यहाँ पर महाशिवरात्रि की भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और बस एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मैं यहाँ पर बता दूँ। द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, ट्रंप की जो 24 तारीख को विजिट होने वाली है, 24 तारीख को ट्रंप हिंदुस्तान पहुंच रहे हैं, उसको लेकर एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है द हिंदू न्यूज़पेपर में, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। रोड सेफ्टी को लेकर एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया है द हिंदू न्यूज़पेपर में, उसका भी डिटेल में डिस्कशन किया जाएगा, जिसके लिए आपको आज 8 बजे हमारे साथ यहां पर जुड़ना होगा। चलिए शुरुआत करेंगे प्रीवियस सेशन के रिवीजन से। यहां पर आपको ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे। जितने भी विद्यार्थी पहली बार इस सेशन को देख रहे हैं मैं उनको बता दूं और याद दिला दूं कि उनको यहां पर ऑप्शन नहीं मिलेंगे, डायरेक्ट आपको यहां पर आंसर्स टाइप करने हैं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपसे कल डिस्कस किए जा चुके हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में कैसे राम मंदिर भवन निर्माण समिति का अध्यक्ष चुना गया है? तो नृपेंद्र मिश्रा जी को राम मंदिर भवन निर्माण समिति का अध्यक्ष चुना गया है। याद रखिएगा, राम टेम्पल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो कंपनी कमिटी है, समिति है, उसके चेयरमैन के यहां पर बात की गई है। जबकि राम मंदिर का जो ट्रस्ट बनाया गया है, राम मंदिर ट्रस्ट जो बनाया गया है उसके लिए जो ट्रस्ट है उसके जो चेयरमैन है, जरा उनका नाम टाइप करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। राम टेम्पल ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं वो वर्तमान में कौन है, या ट्रस्ट के जो चेयरमैन चुने गए उनका नाम क्या है? तो याद रखिएगा, महंत नृत्य गोपाल और दास, ये इनका पूरा नाम यहां पर बनेगा, याद रखिएगा। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि ट्रस्ट के चेयरमैन है, तो नृत्य गोपाल दास यहां पर करेक्ट आंसर बनेगा। इसके अलावा अगर पूछा जाता है कि महामंत्री कौन चुने गए हैं, तो महामंत्री आपके चुने गए हैं विश्व हिंदू परिषद के चंपत रॉय साहब यहां पर क्या चुने गए हैं, महामंत्री चुने गए हैं। कोषाध्यक्ष की बात करता हूं तो कोषाध्यक्ष यहां पर चुने गए हैं, उनका नाम है गोविंद गिरी। ये सारी चीजें कल हम लोगों ने डिस्कस की थी, गोविंद गिरी। हाल ही में अगर मैं बात करता हूं राम मंदिर टेम्पल ट्रस्ट की बात करते हैं, तो इसकी जो पहली बैठक है वह किस शहर में हुई? इसकी पहली बैठक भारत के राजधानी दिल्ली में हुई, भारत की राजधानी दिल्ली में इसकी पहली बैठक हुई। उस गांव का नाम जल्दी से टाइप करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, जिस गांव के बारे में यहां पर यह कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था आपका 9 नवंबर 2019 को अयोध्या मामले पर फैसला सुनाया था सुप्रीम कोर्ट ने, और फैसले की जो कॉपी थी या जो पेजेस थे या अयोध्या मसले का जो फैसला था कुल कितने पेजों पर दिया गया था, तो अयोध्या मसले का जो फैसला था वो 1045 पेजों पर दिया गया था। ये पॉइंट भी आपको यहां पर याद रखना है। और धनीपुर नामक गांव के पास, धनीपुर आपका क्या हो जाएगा, गांव हो जाएगा, और सोहावल यहां पर क्या हो जाएगी, तहसील हो जाएगी, डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा अयोध्या, जिला हो जाएगा अयोध्या, जहां पर 5 एकड़ जमीन देने की बात की गई है सुन्नी वक्फ बोर्ड को, जो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में यहां पर सुनाया गया था। पॉइंट यहां पर क्लियर है, ठीक है। अयोध्या की बात करें तो अयोध्या जिले को पहले फैजाबाद जिले के नाम से जाना जाता था, और अगर मैं यहां पर बात करता हूं अयोध्या की, तो यह सरयू रिवर के किनारे मौजूद है, सरयू नदी के किनारे मौजूद है, याद रखिएगा इन सारी बातों को। राम मंदिर को निर्माण को लेकर मिलने वाले चंदे के लिए किस बैंक में खाता खुलवाया जाएगा? तो करेक्ट आंसर बनेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अयोध्या की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में राम मंदिर निर्माण के लिए जो भी चंदा या जो भी डोनेशन रिसीव होगा उसके लिए खाता खुलवाया जाएगा। इस बैंक का नाम याद रखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बैंक ऑफ बंगाल
बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे, ये तीन पहले प्रेसिडेंसी बैंक हुआ करते थे। बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता के नाम पे, जिसको बाद में 1809 में बैंक ऑफ बंगाल का नाम दिया गया। अगर हम बात करते हैं बैंक ऑफ मद्रास, तो इसकी स्थापना हुई थी 1806 है, ये भी 1843 होगा और ये भी होगा आपका 1840। तो ये तीन प्रेसिडेंसी बैंक आपके बनाए गए थे। इन तीनों ही बैंकों को आपस में मर्ज किया गया था 1901 में और बनाया गया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में इसे बनाया गया और इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम मिलता है 1955। सर तारीख क्या थी? तारीख थी बेटा 1 जुलाई। 1 जुलाई सर किसका स्थापना दिवस होता है? 1 जुलाई आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस होता है, क्योंकि 1 जुलाई 1955 को ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो नाम है वो उसे मिला था। इससे पहले इसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। एसबीआई के वर्तमान चेयरमैन कौन है, जल्दी से टाइप करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। एसबीआई का हेडक्वार्टर की बात करते हैं, तो एसबीआई का हेडक्वार्टर आपके मुंबई शहर में मौजूद है। ये इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सर और किन किन बैंकों के जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई बनते हैं? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर भी मुंबई बनता है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर भी मुंबई बनता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर भी मुंबई बनता है, इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर भी मुंबई बनता है, इसके अलावा सेबी नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी की बात करते हैं, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर भी आपका मुंबई बनता है, इसके अलावा एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर भी मुंबई बनता है, इसके अलावा LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर भी आपका मुंबई बनता है। यहां तक सारी बातें क्लियर हो चुकी हूं, तो एक बार यस लिखकर बताइएगा। जी हाँ, सभी ने यहां पर रजनीश कुमार आंसर किया है, वो बिल्कुल यहां पर सही है। एक और बैंक आपका छूट रहा है जिसका नाम है IDBI बैंक, यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर भी आपका मौजूद है मुंबई शहर में। साथ ही साथ सारी चीजों को रिवाइज करते हुए चलेंगे ना, जैसे ही SBI आया, SBI के बारे में सारी इंफॉर्मेशन को हमने यहां पर डिस्कस कर लिया है। फेसबुक द इनसाइड स्टोरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा स्टीवन लेवी। स्टीवन लेवी नाम बस आपको याद रखना है, जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स होती है उनके राइटर आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फेसबुक द इनसाइड स्टोरी स्टीवन लेवी इसका आंसर बनेगा। फेसबुक की बात करते हैं, सन 2004 में फेसबुक की स्थापना हुई थी और फेसबुक का हेडक्वार्टर आपका अमेरिका में मौजूद है, याद रखिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। मार्क जकरबर्ग ने इस पर्टिकुलर कंपनी की स्थापना की थी 2004 में। वर्तमान में फेसबुक के जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप कभी एप्लीकेशन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, वॉच, पोर्टल, ऑक्यूलस और कैलिब्रा, ये इंपॉर्टेंट आपके प्रोडक्ट बनते हैं जो कि फेसबुक के द्वारा ही रन किए जाते हैं। अगला प्रश्न ये है कि इस वर्ष महान मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की कौन सी जयंती मनाई जा रही है? तो 390 नंबर की जो जयंती है वो महान छत्रपति शिवाजी की यहां पर मनाई जा रही है। कल मैंने आपसे ये भी डिस्कस किया था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती कौन से नंबर की हाल ही में 23 जनवरी को मनाई गई, तो टाइप करके कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की भी जयंती हमारे देश में मनाई गई, नेशनल यूथ डे उस दिन सेलिब्रेट होता है, तो जल्दी से ये भी बताना है कि स्वामी विवेकानंद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की कौन कौन सी जयंती मनाई गई हैं, जो कि मैंने कल आप सभी के साथ यहां पर डिस्कस किया था। अगला प्रश्न, किस पहलवान ने 1993 के बाद पहली बार एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत का पहला ग्रीको रोमन स्वर्ण पदक यहां पर जीता है? तो सीधा नाम याद रखना है, 87 किलोग्राम कैटेगरी में यहां पर यह पदक यहां पर जीता है सुनील कुमार जी ने। सुशील कुमार भी आपके एक रेसलर है, पहलवान है, लेकिन यहां पर सुनील कुमार आंसर होगा, कंफ्यूज मत होइएगा एग्जाम में। ओके, चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। देश का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन किस राज्य में बनाया जाना है? तो सही जवाब होगा यहां पर बिहार। बिहार राज्य को थोड़ा सा यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे आप सभी के साथ। यहां तक सारी बातें क्लियर होती चल रही है ना? सुनील कुमार, हाँ हाँ बिल्कुल करेक्ट है सुनील, नॉट सुशील। ओके, बिहार की बात कर ले हैं, बिहार में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं, तो याद रखिएगा बिहार के वर्तमान चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार, बिहार के वर्तमान गवर्नर का नाम है फगू चौहान, यहाँ के वर्तमान गवर्नर बनते हैं। बिहार में अगर हम लोग बात करते हैं तो वाल्मीकि रिवाइज करते हुए चलना है, वाल्मीकि नेशनल पार्क आपका कहाँ पड़ता है? ये भी आपका बिहार में पड़ता है। वाल्मीकि के अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपकी यहाँ पर मौजूद है, इसके अलावा कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपकी यहीं पर मौजूद है, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपकी यहीं पर मौजूद है, इसके अलावा विक्रम
इसके अलावा विक्रमशिला, विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी, विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी भी आपकी इकलौती डॉल्फिन सेंचुरी है पूरे भारत में। ये बिहार राज्य में ही आपकी स्थित है। और ये भी याद रखना है कि भारत का जो जलीय जीव है, राष्ट्रीय जलीय जीव है, वो आपकी डॉल्फिन तो है, लेकिन कौन सी डॉल्फिन? तो गंगा डॉल्फिन। जब भी क्वेश्चन पूछा जाए भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, तो गंगा डॉल्फिन वहां पर आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां तक सारी बातें क्लियर होती चल रही हैं, तो एक बार यस लिखकर बता दीजिएगा कि हां सर, यहां तक सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दिल्ली पुलिस ने हिम्मत एप्लीकेशन के साथ किस टैक्सी हाइलिंग स्टार्टअप को एकीकृत किया है? तो करेक्ट आंसर यहां पर उबर बनेगा। उबर कंपनी की अगर हम लोग बात करते हैं, जो कि भारत में टैक्सी ऑपरेट करने वाली एक कंपनी है, यह किस पर्टिकुलर कंट्री की एक कंपनी है या इसका हेडक्वार्टर किस कंट्री में मौजूद है, टाइप करके कॉमेंट बॉक्स में अभी के अभी कि उबर का जो हेडक्वार्टर है किस कंट्री में मौजूद है, या ये किस पर्टिकुलर कंट्री की क्या है, एक कंपनी है या टैक्सी सर्विसेज मुहैया कराने वाली एक कंपनी है। गंगा डॉल्फिन राष्ट्रीय जलीय जीव हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। उबर किस पर्टिकुलर कंट्री की है? ओके, माघी पान आंसर आया है। माघी पान जो है सर, वो बिहार का काफी फेमस है। बिहार की बात करते हैं जीआई टैग्स की, तो कतरनी राइस भी मैंने आपको बताया था कि कतरनी राइस भी बिहार का एक जीआई टैग है। इसके अलावा मैंने बताया था मधुबनी पेंटिंग्स भी बिहार में काफी लोकप्रिय हैं, जिनको बिहार में जीआई टैग आपका दिया गया है। आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश और उसके जो प्रमुख शहर हैं, उनकी जो प्रमुख सिटीज हैं, उनके जो निकनेम्स हैं, देयर निकनेम्स, उनके क्या डिस्कस करने वाले हैं, उनके निकनेम्स यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे पास 5-6 शहर हैं और प्रतिदिन क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर स्टेट को उठाकर वहां के जितने भी इंपॉर्टेंट सिटीज और उनके निकनेम हैं उन्हें रिवाइज कर लिया करेंगे। आप सभी हामी भरते हैं इस चीज के लिए, तो यस लिखकर बता दीजिएगा। शाही लीची को भी वहां पर जीआई टैग मिला हुआ है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उबर अमेरिका की एक कंपनी है, बिल्कुल करेक्ट है यहां पर। अब बात करते हैं आगरा, प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, बनारस और मेरठ शहरों की। ये सभी के सभी शहर आपके उत्तर प्रदेश राज्य में मौजूद है। आगरा की बात कर लेते हैं, तो किस रिवर के किनारे मौजूद है? तो रिवर का नाम यहां पर हो जाएगा यमुना रिवर। यमुना रिवर के किनारे आपका मौजूद है आगरा शहर। प्रयागराज की बात करते हैं, तो गंगा, यमुना और सरस्वती इन तीन नदियों के संगम पर मौजूद है। कानपुर शहर की बात कर लेते हैं, तो कानपुर शहर आपका गंगा रिवर के किनारे मौजूद है। लखनऊ शहर की बात कर लेते हैं, तो यह आपका गोमती शहर के किनारे, गोमती नदी के किनारे मौजूद है। बनारस आपका गंगा रिवर के किनारे आपका मौजूद है, मेरठ नहीं। ओके, अब हम बात करते हैं आगरा की। तो आगरा का निकनेम क्या है, आगरा का निकनेम क्या कहता है? तो यहां पर ताजमहल आपका मौजूद है। तो द सिटी ऑफ ताज के नाम से आगरा को जाना जाता है, एबोड ऑफ गॉड के बाद नाम से प्रयागराज को, और सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि भारत के करीब करीब 7 प्रधानमंत्री, भारत के लगभग लगभग 7 प्रधानमंत्री डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं प्रयागराज, जिसे हम इलाहाबाद के नाम से भी जानते हैं, उनसे संबंधित थे। इसीलिए द सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स के नाम से प्रयागराज या इलाहाबाद को जाना जाता है। कानपुर की बात करें, इसे उत्तर भारत का यानी कि नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर भी कहते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहलाता है कानपुर, जबकि भारत का मैनचेस्टर कहलाता है अहमदाबाद सिटी। लेदर के लिए शहर काफी प्रसिद्ध है, तो इसे लेदर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। चमड़े का उपयोग काफी ज्यादा होता है और चमड़े से बनी हुई वस्तुओं का उपयोग कानपुर में काफी ज्यादा होता है। लखनऊ की बात करें, तो लखनऊ नवाबों का शहर कहा जाता है और लखनऊ अपनी जरदोजी के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। तो लखनवी जरदोजी ये एक आपका जीआई टैग भी है, और लखनऊ की चिकनकारी भी, लखनऊ की चिकनकारी भी काफी प्रसिद्ध है, काफी मशहूर है। चिकनकारी का मतलब वस्त्रों पर कढ़ाई को लेकर होता है, वस्त्रों पर चिकनकारी को लेकर होता है, इसके लिए भी आपका लखनऊ शहर जाना जाता है। बनारस की बात करते हैं, सिटी ऑफ लाइट्स और सिटी ऑफ टेम्पल्स के नाम से भी जाना जाता है। बनारस को द सिटी ऑफ म्यूजिक के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। मेरठ शहर को स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि मेरठ के जो बल्ले होते हैं वो विश्व प्रसिद्ध है। तो उम्मीद है ये सेक्शन आपको पसंद आया होगा, काफी सारी जानकारी आपको यहां पर मिल गई होगी। एक बार यस लिखकर बताइएगा ये सेशन आपको यहां पर पसंद आया कि नहीं। सर झारखंड का जीआई टैग क्या है? झारखंड के कई सारे जीआई टैग हैं, एक दो जीआई टैग नहीं होते हैं। तो जीआई टैग की जो सीरीज चल रही है उसमें हम उनको भी डिस्कस करते हुए चलेंगे, तो परेशान नहीं होना है। लखनऊ शहर में हाल ही में डिफेंस एक्सपो आपका आयोजित किया गया था। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स क्विज की। यहां पर जितने भी विद्यार्थी पहली बार मेरे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं, मैं उनको बता दूं, कल जितनी भी इंपॉर्टेंट आपकी खबरें बनी हैं, न्यूज बनी है, उन पर आधारित बहुत सारे एमसीक्यू मैंने यहां पर फ्रेम किए हैं, तो आपको उनका आंसर करना है। और साथ ही साथ न्यूज बॉक्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट न्यूज भी हम लोग यहां पर देखेंगे। यहां तक सेशन पसंद आया हो तो भैया लाइक कर दीजिएगा इस सेशन को। जी हां सर, काफी अच्छा लगा सेशन, यहां तक काफी सारी चीजें यहां पर क्लियर हो गई हैं। सेशन पसंद आया तो लाइक बटन पर क्लिक करना ना भूलें, कोई भी कंजूसी यहां पर ना करें। ओके,
ओके ओके ओके, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, बिल्कुल सजग हो जाइए, जाग जाइए अभी तक अगर सो रहे हो। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, गुवाहाटी उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से कौन से दस्तावेज नागरिकता के प्रमाण नहीं है? आपको बताना है कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अनुसार, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अनुसार अगर मैं बात करूं, हाल ही में उसने एक डिसीजन दिया है, उसके अनुसार कौन से दस्तावेज नागरिकता के प्रमाण नहीं है? गुवाहाटी हाई कोर्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, अकॉर्डिंग टू द गुवाहाटी हाई कोर्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इज नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप? पैन कार्ड क्या सिटीजनशिप का प्रमाण है? बैंक पासबुक, लैंड डॉक्यूमेंट्स, जमीन से संबंधित जो कागजात हैं, या फिर ऑल ऑफ द अबव, या इनमें से कोई नहीं? बताइए करेक्ट आंसर यहां पर क्या बन सकता है, करेक्ट आंसर यहां पर क्या बन सकता है, 1, 2, 3, 4 एंड 5, पैन कार्ड, बैंक पासपोर्ट, लैंड डॉक्यूमेंट्स, ऑल ऑफ द अबव, या इनमें से कोई नहीं? मैगजीन स्टूडेंट ऑप्शन नंबर 4 के साथ जा रहे हैं, कुछ लोग 5 के साथ भी जा रहे हैं। तो अगर मैं बात करता हूं गुवाहाटी हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार, तो ये सभी के सभी दस्तावेज, ना ही पैन कार्ड, ना ही आपकी बैंक पासबुक, ना ही लैंड डॉक्यूमेंट्स, इनमें से कोई भी आपकी नागरिकता के प्रमाण नहीं है। नागरिकता के प्रमाण के तौर पर आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए या राशन कार्ड जो आपका वैलिड होता है वो होना चाहिए। इनमें से कोई भी चीज़ आपकी नागरिकता के प्रमाण के लिए यूज नहीं की जाती। पैन कार्ड आपका एक आइडेंटिटी कार्ड होता है, इसमें नागरिकता कहीं नहीं लिखी होती कि मैं भारत का नागरिक हूं, या नागरिकता, सिटीजनशिप भारतीय, यह शब्द कहीं भी पैन कार्ड में नहीं लिखा होता। पैन कार्ड में टोटल 10 कैरेक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है, आप में से मोस्टली लोगों के पास पैन कार्ड होगा। आधार कार्ड को भी नागरिकता का प्रमाण नहीं माना गया है, इसको भी अपडेट कर लीजिएगा। आधार कार्ड में टोटल जो संख्या होती है वो कितनी होती है, जरा सा टाइप करके यहां पर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। जी नहीं, गुवाहाटी हाईकोर्ट के अनुसार आधार कार्ड भी आपकी नागरिकता का प्रमाण नहीं है। आधार कार्ड पर कहीं भी नहीं लिखा होता कि सिटीजनशिप इंडियन या नागरिकता भारतीय, आधार कार्ड में कहीं भी नहीं लिखा होता। आधार कार्ड आपकी आइडेंटिटी और आपके पते को दर्शाता है, एड्रेस को दर्शाता है, ये नागरिकता का प्रमाण नहीं होता। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट पर साफ लिखा होता है कि नागरिकता या सिटीजनशिप इंडियन, उसी तरह से राशन कार्ड इसमें इस्तेमाल हो सकता है लेकिन आधार कार्ड नहीं। आधार कार्ड टोटल 16 डिजिट्स का होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बनेगा। अगर मैं बात करता हूं गुवाहाटी हाईकोर्ट की, तो गुवाहाटी हाईकोर्ट भारत के 25 हाई कोर्ट्स में से एक है। भारत में कुल हाई कोर्ट्स या उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। क्या मुझे आप बता सकते हैं कि 25वां हाई कोर्ट, भारत का जो सबसे लेटेस्ट हाई कोर्ट है वो कौन सा है? टाइप करके उसका नाम कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत का 25वां हाई कोर्ट कौन है। अगला प्रश्न, जल्द ही किस कंपनी के द्वारा भारत का पहला 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया जाएगा? विच कंपनी विल सून लॉन्च इंडियाज फर्स्ट 5G स्मार्टफोन? ऑप्शंस आप सभी के सामने है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। हरीश वर्मा जी, मैं पॉलिटी नहीं पढ़ाता, नहीं तो मैं करा देता, है ना। CVV पिन की बात करें, ATM पर होता है, बिल्कुल वो 3 डिजिट का होता है या 3 कैरेक्टर का, बल्कि मोस्टली उसमें नंबर ही होते हैं। आंध्र प्रदेश राज्य या फिर कहाँ का है, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट भारत का 25वां हाई कोर्ट है, याद रखिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बनता है। और आंध्र प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो आपका अमरावती शहर में ओपन किया गया है, इसीलिए अमरावती जुडिशियल कैपिटल हो जाएगी, किसकी, आंध्र प्रदेश की। अगर मैं बात करता हूं विशाखापत्तनम, तो विशाखापत्तनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल है आंध्र प्रदेश की, जबकि कुरनूल जो है वो वहां की लेजिस्लेटिव आपकी कैपिटल बनने वाली है। तो इन सारी चीजों को यहां पर अपडेट करते हुए चलिएगा। चलिए, यहां तक सारी बातें क्लियर है ना। चलिए आगे बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर क्या आंसर होने वाला है? यहां पर आंसर जो होने वाला है, मैगजीन स्टूडेंट आंसर आ रहा है 1, 3, 5, 1, 3, करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर 5 बनेगा, इनमें से कोई नहीं। ओप्पो, वीवो और प्लस वन, ये तीनों ही कंपनियों की अगर हम बात करते हैं, तो ये तीनों किस पर्टिकुलर कंट्री से संबंधित हैं? ये तीनों ही कंपनियां, मोबाइल कंपनियां आपकी चाइना से संबंधित हैं। सैमसंग कंपनी की बात करूं तो ये साउथ कोरिया से संबंधित है। अब हम बात करते हैं नन ऑफ दीज में, तो यहां पर करेक्ट आंसर जो बनेगा रियल मी नाम की जो मोबाइल कंपनी है वो जल्द ही भारत का पहला जो 5G स्मार्टफोन है वो लॉन्च करने वाली है, उनकी तरफ से यहां पर ये अनाउंसमेंट हो चुका है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 5 और आंसर बनेगा रियल मी। अगला प्रश्न, वर्ल्ड फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट सोफिया रीच्ड इंडिया टू अटेंड अ टेक्नोलॉजी बेस्ड इंटरैक्टिव सेशन इन विच सिटी? दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट सोफिया भारत के किस शहर में प्रौद्योगिकी आधारित इंटरैक्टिव सत्र में भाग लेने के लिए पहुंची है? ये मुंबई पहुंची है, कोलकाता पहुंची है, ठीक है, और न्यू दिल्ली पहुंची है, बेंगलुरु पहुंची है, या इनमें से कोई नहीं? बताइए करेक्ट आंसर यहां पर क्या बनेगा, सोफिया रोबोट,
हाँ, कल का एक करेक्शन आप सभी के साथ करना है। कल मैंने आपको बांदीपुर नेशनल पार्क के बारे में बताया था और एक और नेशनल पार्क के बारे में बताया था, नागरहोल नेशनल पार्क। गलती से उसको मैंने केरला के साथ कोरिलेट कर दिया था। उसका करेक्ट आंसर जो बनता है वो कर्नाटका बनता था, तो इसको अपडेट कर लीजिएगा। मैंने अपडेट वैसे आपके कॉमेंट बॉक्स में कर दिया था, जितने भी लोगों ने देख लिया हो। मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, न्यू दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। सोफिया रोबोट की बात करते हैं, हाल ही में किस सत्र में ये यहाँ पर पहुंची थी। करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर टू, कोलकाता। ठीक है, कोलकाता यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। कोलकाता शहर की बात कर लेते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जबकि ह्यूमनॉइड शब्द की मैं बात कर लेता हूँ, ह्यूमनॉइड रोबोट का मतलब होता है इंसानों की तरह दिखने वाला ही एक रोबोट। अगर मैं बात करता हूँ ह्यूमनॉइड रोबोट सोफिया के बारे में, तो इसे किस कंट्री के द्वारा बनाया गया है, तो इसे हांगकॉन्ग के द्वारा पेश किया गया है। हांगकॉन्ग की एक कंपनी है जिसका नाम आपका बनता है हंसन रोबोटिक्स। हंसन रोबोटिक्स नाम की एक कंपनी है जिसके द्वारा इसे ह्यूमनॉइड को विकसित किया गया है, तो इसका नाम याद रखिएगा। कोलकाता की बात करते हैं, वेस्ट बंगाल की राजधानी है। कोलकाता किस रिवर के किनारे है, कोलकाता हुगली रिवर के किनारे है। और हुगली नदी पर दुनिया का भारत का पहला जो रिवर अंडर वाटर जो रिवर टनल है मेट्रो के लिए, वो आपकी बनाई जानी है। भारत की दूसरी अंडर वाटर जो मेट्रो टनल है वो आपकी बनाई जानी है मुंबई में मीठी रिवर के ऊपर। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं यहां पर कोलकाता को, तो कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है। सिटी ऑफ जॉय के नाम से कोलकाता शहर को जाना जाता है। इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें कोलकाता के बारे में याद रखनी है, कोलकाता के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें। पहली चीज़ यहाँ पर यह याद रखनी है कि कोलकाता मेट्रो को 1984 में शुरू किया गया था और कोलकाता मेट्रो भारत की पहली मेट्रो थी। इसके अलावा ये पॉइंट भी याद रखिएगा कि 150वीं यहाँ पर स्थापना पूरा हुआ था किसका, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट की 150 साल पूरे हुए थे जिसमें उसको नामकरण दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट किसका नया नाम है, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के 150 साल पूरे होने पर मोदी जी ने कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट को एक नाम दिया है जिसका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट बनती हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां पर भारत का वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ईडन गार्डन आपका मौजूद है, तो यह भी याद रखना है। ईडन गार्डन वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है एमसीजी क्रिकेट ग्राउंड, यानी कि मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, याद रखिएगा, ये ऑस्ट्रेलिया में है। और जल्द ही भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम इसका उद्घाटन होगा गुजरात के अहमदाबाद शहर में जिसका नाम है मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम, याद रखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ईडन गार्डन तक सारी चीजें यहां पर क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, विक्टोरिया टर्मिनल भी आपका, विक्टोरिया मेमोरियल, विक्टोरिया टर्मिनल तो आपका मुंबई में मौजूद है जबकि विक्टोरिया मेमोरियल आपका कोलकाता शहर में ही मौजूद है। मुंबई द सिटी ऑफ सेवन आइलैंड्स के नाम से जानी जाती है। न्यू दिल्ली और बेंगलुरु की बात करते हैं, बेंगलुरु में आपका इसरो का हेडक्वार्टर मौजूद है और बेंगलुरु को स्पेस सिटी, आईटी सिटी, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, इन सभी नामों से जाना जाता है, याद रखिएगा। ये सारी चीजें यहां पर इंपॉर्टेंट बनती हैं। मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है, पॉइंट यहां पर क्लियर है। ठीक है, यहां तक सारी बातें क्लियर है ना। policybazaar.com ने किसे अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है, मतलब कि चीफ एग्जीक्यूटिंग ऑफिसर जिसे हम कहते हैं COO। policybazaar.com ने हाल ही में अपना चीफ एग्जीक्यूटिंग ऑफिसर किसे नियुक्त किया है, जल्दी से टाइप करके मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। सर्ववीर सिंह, यशस दहिया, आलोक बंसल, ध्रुव सरीन, इनमें से कोई नहीं। क्या करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा? हाँ बिल्कुल संदीपता, बिल्कुल करेक्ट आंसर बोला है कि इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी, ये बिल्कुल करेक्ट है। ओके ओके, ठीक है सर, कभी आप बोलते हैं मोटेरा वर्ल्ड में लार्जेस्ट है, कभी बोलते हैं इंडिया में लार्जेस्ट है, कंफ्यूजन। अरे भैया मोटेरा की बात करें, ध्यान से अब सुन लो, ध्यान से एक बार, मोटेरा दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। और मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा है कि ईडन गार्डन वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है ईडन गार्डन। लेकिन मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम जब आपका स्टार्ट हो जाएगा या इनॉग्रेट हो जाएगा, तब ये ऑफिशियली आधिकारिक रूप से भारत का और दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन जाएगा। वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है एमसीजी, वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है एमसीजी, यानी कि मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। लेकिन इनॉग्रेशन के बाद, ऑफिशियली इसका उद्घाटन होने के बाद, मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम, और मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम को सरदार वल्लभ भाई पटेल
क्रिकेट स्टेडियम के नाम से भी जाना जाएगा, नहीं तो आगे फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर आपने मोटेरा बताया था, अब आप बता रहे हो सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम है, सर आप गलत बोल रहे हो, क्योंकि बेटा यहां पर मैंने बताया कि दोनों एक ही नाम है। लेकिन ऑफिशियली अभी ये उद्घाटन नहीं हुआ है, उद्घाटन होगा 24 फरवरी को, जब डोनाल्ड ट्रंप की भारत में विजिट होगी, वो अहमदाबाद सिटी पहुंचेंगे तब इसका इनॉग्रेशन हो जाएगा, और जब इसका उद्घाटन हो जाएगा तभी तो हम इसे आधिकारिक तौर पर दुनिया का और भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहेंगे। तो वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ईडन गार्डन, इनॉग्रेशन के बाद भारत का और दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम या सरदार वल्लभ भाई पटेल क्रिकेट स्टेडियम, करीब करीब 1,10,000 लोगों के बैठने की क्षमता। जब तक मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम या सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन नहीं हो जाता तब तक दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम किसे कहा जाएगा? MCG को कहा जाएगा। अब क्लियर है तो एक बार यस लिखकर बता दीजिएगा, कंफ्यूजन मत पालिए, कंफ्यूज ध्यान से सुना करिए एक शब्द को कि क्या बोल रहे हैं उसके हिसाब से, है ना, और थोड़ा सा खुद भी रिवीजन कीजिए तो सारी चीजें आपको क्लियर होती हुई चलेंगी। केवल मेरे भरोसे रहेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल है, जितनी भी चीजें बताएं और जितनी भी चीजें PDF में आपको मिले उनको रिवाइज करते हुए चलिएगा। करेक्ट आंसर यहां पर होगा सर्ववीर सिंह को हाल ही में नया CEO नियुक्त किया गया है PolicyBazaar.com का, याद रखिएगा, जबकि आपके ग्रुप सीईओ अभी भी आपके बने रहेंगे यशीष दहिया, ग्रुप सीईओ तो यशीष दहिया, केवल सीईओ की बात की जाएगी तो सर्ववीर सिंह, आलोक बंसल की बात करते हैं तो ये चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं PolicyBazaar.com के, जबकि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं आपके ध्रुव सरिन COO यानी कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, तो ये हो जाएंगे ध्रुव सरिन। चारों व्यक्तियों का जो संबंध है वो PolicyBazaar.com से है। अगर ब्रांड एम्बेसडर की बात की जाएगी तो PolicyBazaar.com के ब्रांड एम्बेसडर वर्तमान में कौन है? अक्षय कुमार है। इस तरह के एडवर्टीजमेंट आपने जरूर देखे होंगे। पॉइंट अब यहां पर क्लियर है, चलिए आगे बात करते हैं। इंडिया की बात करते हैं, यहां पर इंडिया रैंक्ड ऑन विच पोजिशन आउट ऑफ 180 नेशंस इन WHO चाइल्ड फ्लरिशिंग इंडेक्स। फ्लरिशिंग का मतलब हो जाता है बच्चों की समृद्धि, बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर हो, बच्चे खुशहाल रहें, तो चाइल्ड फ्लरिशिंग इंडेक्स में भारत 180 देशों की सूची में कौन से स्थान पर है? 129वें स्थान पर है, 63वें स्थान पर है, 68वें स्थान पर है या 102वें स्थान पर है? विशाल जी क्या है आपका, आपकी दिक्कत क्या है बताइए जल्दी से टाइप करके कमेंट बॉक्स में। PDF कहाँ से लें? PDF मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं जिसका नाम है अंकित महेंद्राज। PDF की जो टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है इसी पर्टिकुलर वीडियो के नीचे मिल जाएगी। इसके अलावा तीन घंटे के अंदर करीब 12-1 बजे तक PDF आपकी अपलोड करा दी जाती है इसी पर्टिकुलर वीडियो के नीचे भी। हाँ भाई, करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा? मैगजीन स्टूडेंट 180, तो 180 तो टोटल कंट्री है, कुछ लोग 129 के साथ जा रहे हैं, कुछ लोग 29 के साथ जा रहे हैं, और मुरुगन साहब कह रहे हैं ऑप्शन नंबर 5 यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर मैं देखूं तो करेक्ट आंसर देने वाले अभी तक मुझे मुरुगन साहब ही मिले हैं, क्योंकि मुरुगन साहब ने अभी तक, आकांक्षा रंजन ने आंसर किया ऑप्शन नंबर 5, इन दोनों के ही आंसर अभी तक सही है, संदीपता ने भी आंसर 5 कर दिया है। जितने भी लोग 129 आंसर कर रहे थे ध्यान से समझ लीजिएगा, 129वीं पोजीशन पर है भारत ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक जो कि जारी किया जाता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, 2019 के इस इंडेक्स में भारत की रैंक थी 129वीं, जबकि नॉर्वे यहां पर टॉप पोजीशन पर था। 63rd पोजीशन की बात करते हैं तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो रैंकिंग 2020 के लिए जारी की गई है उसमें भारत 63वीं पोजीशन पर है। इसे वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, WB का मतलब है यहां पर वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के द्वारा कौन सा इंडेक्स? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। टॉप पोजीशन पर कौन सी कंट्री थी? टॉप पोजीशन पर यहां पर न्यूजीलैंड कंट्री। 68वीं रैंकिंग है भारत की ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स यानी कि वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2019 में सिंगापुर यहां पर टॉप पोजीशन पर है, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स आपकी जारी की जाती है। 102वीं पोजीशन की बात करते हैं तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में विश्व भुखमरी सूचकांक में भारत 102वीं पोजीशन पर है, जबकि यहां पर चाइल्ड फ्लरिशिंग इंडेक्स में भारत 131वीं पोजीशन पर है। मेरा क्लास 7 बजे स्टार्ट होता है, यहां तक सारी बातें समझ में आई हो तो एक बार यस लिखकर बता दीजिएगा कि हां सर यहां तक सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं। ओके,
यहां तक सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं, तो एक बार ऐसा लिखकर बताइएगा, क्योंकि यहां पर काफी सारी चीजें एक ही साथ एक ही ऑप्शन में मैंने यहां पर डिस्कस कर दी हैं। नॉर्वे की बात करते हैं तो नॉर्वे की जो राजधानी बनती है वो बनती है ओस्लो, और नॉर्वे की जो करेंसी बनती है वो क्रोन आपकी बनती है। इसके अलावा न्यूजीलैंड की बात करते हैं तो न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन, जबकि डॉलर यहां की करेंसी बनती है। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है, जबकि करेंसी यहां पर भी आपकी डॉलर बनती है। अब सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। अरे भैया, आपको भी महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं भैया। अगला क्वेश्चन, रिसर्चर्स फ्रॉम विच कंट्री हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड द फर्स्ट 3D मैप ऑफ कोरोना वायरस। कोरोना वायरस चर्चा का विषय है अखबारों में, न्यूज़पेपर्स में, न्यूज में, हर जगह लगातार कोरोना वायरस के बारे में आप सुन रहे हैं। शुरुआत हुई थी चाइना से और चाइना के वुहान शहर के मीट मार्केट से। ओके, किस देश के शोधकर्ताओं ने सफलतापूर्वक कोरोना वायरस का पहला 3D मैप बनाया है? चाइना के रिसर्चर्स हैं, जापान के रिसर्चर्स हैं, इंडिया के रिसर्चर्स हैं, यूएसए अमेरिका के रिसर्चर्स हैं, या इनमें से कोई नहीं? एक बार और समझा दें दिलीप कुमार मिश्रा जी, कोई बात नहीं, वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाइएगा और फिर से स्टार्ट कीजिएगा। वही सारी बातें मैंने बिल्कुल आराम से इत्मीनान से समझाई हैं। देखो, अकॉर्डिंग टू दी हाई कोर्ट, आधार को भी सिटीजनशिप का, नागरिकता का प्रमाण नहीं माना गया है। पासपोर्ट हो, इसके अलावा आपके पास राशन कार्ड वगैरह हो, या NRC रजिस्टर में नाम अपडेट हो, तब तो ठीक है। लेकिन आधार कार्ड आइडेंटिटी और एड्रेस का प्रूफ है, नागरिकता उसमें भी कहीं नहीं लिखी होती कि सिटीजनशिप इंडियन, ये आधार कार्ड में भी नहीं। चाइना, जापान, इंडिया, यूएसए, इनमें से कोई नहीं। किस देश के शोधकर्ताओं ने पहला 3D मैप बनाया है? तो करेक्ट आंसर यहां पर अमेरिका हो जाएगा, इंडिया नहीं है, चाइना नहीं है, अमेरिका यहां पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। याद रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अमेरिका की बात अगर हम लोग कर लेते हैं तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत यात्रा पर आ रहे हैं। किस तारीख को आ रहे हैं? तो 24 फरवरी को आ रहे हैं। किस शहर में आ रहे हैं? तो अहमदाबाद शहर में आ रहे हैं। अहमदाबाद शहर किस नदी के किनारे है? तो अहमदाबाद शहर साबरमती रिवर के किनारे है। ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं, अमेरिका के कौन से नंबर के प्रेसिडेंट हैं? ये तो अमेरिका के 45वें नंबर के प्रेसिडेंट हैं। ये पॉइंट भी आपको यहाँ पर याद रखना है। अमेरिका की राजधानी की बात करते हैं तो अमेरिका की राजधानी का नाम है Washington DC। यहीं पर आपको एक क्वेश्चन और बताना है। क्वेश्चन आपसे ये है कि अमेरिका के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका? टाइप करके कमेंट बॉक्स में, अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, पहले राष्ट्रपति कौन थे, उनका नाम टाइप करके कमेंट बॉक्स में। अगर मैं बात करता हूं Washington DC नामक शहर की, तो ये अमेरिका की राजधानी है। किस रिवर के किनारे है? तो रिवर का नाम भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अमेरिका की राजधानी Washington DC किस शहर के किस रिवर के किनारे है, तो पोटोमैक रिवर का नाम याद रखिएगा। अमेरिका को ऑफिशियली जो अमेरिका का नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, तो अमेरिका में कुल राज्यों की संख्या 50 है, और यही रीजन है कि अमेरिका के झंडे में भी आपको 50 सितारे आपको देखने को यहां पर मिल जाएंगे। अगर प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो सर वाइस प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट भी वहां पर चलता है। तो सर वाइस प्रेसिडेंट कौन है? वाइस प्रेसिडेंट जो है वहां के, वो माइक पेंस साहब हैं। तो इनका नाम भी हो सके तो याद रखने का प्रयास कीजिएगा। माइक पेंस यहां के क्या है? वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं बात करता हूं, ये सबसे पहले इंडिया में आएंगे, अहमदाबाद पहुंचेंगे, वहां पर साबरमती आश्रम नहीं जाएंगे बल्कि मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम जाएंगे, जहां पर ये दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद हो सकता है आगरा में ताजमहल देखने को लिए भी जाएं। जॉर्ज वॉशिंगटन, जितने भी लोगों का आंसर है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जॉर्ज वॉशिंगटन, वो यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ अब बढ़ चलते हैं। लैरी टेस्लर का हाल ही में निधन हुआ है, वे किस चीज के आविष्कारक थे? किस पर्टिकुलर कमांड के आविष्कारक थे? किस पर्टिकुलर कंप्यूटर से जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी के आविष्कारक थे? लैरी टेस्लर डाइड रिसेंटली, ही वॉज द इन्वेंटर ऑफ IP एड्रेस। कंप्यूटर में आपने देखा होगा हर वेबसाइट का एक IP एड्रेस भी होता है, तो क्या ये उसके आविष्कारक थे? वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं WWW, तो क्या ये www.mahendrazguru या mahendraz.com, क्या इस तरह से जो www वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक थे? कट कॉपी पेस्ट, एक जगह से एक वेबसाइट से चीज को निकालना, कॉपी करना और उसे पेस्ट कर देना, इस कमांड के आविष्कारक थे? या इंसर्ट हाइपरलिंक, हाइपरलिंक एक ब्लू कलर की लिंक होती है, किसी भी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट या आर्टिकल के बीच में अगर आपको ब्लू कलर का एक टेक्स्ट नजर आता है तो आप उस पर क्लिक करके दूसरी वेबसाइट से उसको लिंक किया जा सकता है, इसे हाइपरलिंक कहा जाता है। ये किस चीज के या किस कमांड के आविष्कारक थे? तो करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा ऑप्शन नंबर 3, कट कॉपी पेस्ट के आविष्कारक थे। जल्दी से मुझे बताइएगा कि WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन थे, टाइप करके कमेंट बॉक्स में। यहां तो आपने दिख रहा नहीं, बार कोड के आविष्कार अगर मैं बात करूं, कट कॉपी पेस्ट कमांड, ये आपको याद रखना नहीं। IP एड्रेस करेक्ट आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट
राइट आंसर WWW के आविष्कारक कौन थे, जरा जल्दी से टाइप करके। सर इसका PDF कहां पर मिलेगा, वीडियो के नीचे मिल जाएगा 12 बजे के बाद, और आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा अंकित महेंद्राज। ओके चलिए अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने अस्पतालों के आधुनिकीकरण के लिए नाडू नेदू योजना शुरू की है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च अ स्कीम नेम्ड नाडू नेदू फॉर मॉडर्नाइजिंग हॉस्पिटल, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला और आंध्र प्रदेश, या इनमें से कोई नहीं। टिम बर्नर्स ली, जितने भी लोग का आंसर है वो बिल्कुल सही है। टिम बर्नर्स ली ने WWW का आविष्कार किया था, याद रखिएगा। टिम को किससे जुड़े नहीं है, वो एप्पल कंपनी से जुड़े हुए थे। टिम बर्नर्स ली करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यहां पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा, किस राज्य ने इसको यहां पर लॉन्च किया है, तो करेक्ट आंसर की यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि लैरी साहब जो यहां पर जिनकी डेथ हुई है, लैरी टेस्लर, ये अमेरिकन थे, इनकी नागरिकता भी आप सभी को यहां पर याद रखनी है। करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की बात कर लेते हैं तो वाई एस जगन मोहन रेड्डी क्या है, आपके यहां के चीफ मिनिस्टर बनते हैं। गवर्नर की बात कर लेते हैं तो इंपॉर्टेंट बनते हैं यहां पर, गवर्नर का नाम विश्वभूषण, चलो शॉर्ट में लिख देता हूं, विश्वभूषण हरिचंदन यहां के गवर्नर बन जाएंगे। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के बारे में बात करता हूं तो इस योजना के बारे में समझ लीजिएगा कि अगले 3 सालों में, इस योजना के तहत अगले 3 सालों में यानी कि अगले आने वाले 3 ईयर्स में हॉस्पिटल्स को मॉडर्नाइज किया जाएगा, उनका आधुनिकीकरण किया जाएगा, जिस पर जो खर्चा आएगा वो लगभग आपका आएगा 15,000 करोड़ का। तो 15,000 करोड़ की लागत से वहां के सरकारी अस्पतालों को अगले 3 सालों में मॉडर्नाइज किया जाएगा, आधुनिक सुविधाओं से लेस किया जाएगा, जिसके लिए नाडू नेडू योजना आपकी लॉन्च की गई। अब नाडू से आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा और आप आंसर लगाकर चले आए तमिलनाडु, तो वो फिर वहां पर गलत हो जाएगा। तमिलनाडु आज का हमारा स्टेट ऑफ द डे है, स्टेट ऑफ द डे है आपका आज का तमिलनाडु, इस पर करेंगे हम लोग डिटेल में डिस्कशन। ओके यहां तक सारी बातें क्लियर हो चुकी हूं तो एक बार इस लिखकर यहां पर बता दीजिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान का नाम बदलकर किस पूर्व केंद्रीय मंत्री के नाम पर रखा गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एनालिसिस वॉज रीनेम्ड आफ्टर विच फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज जी, मनोहर पारिकर जी, या फिर जॉर्ज फर्नांडिस जी, या इनमें से कोई नहीं। दिशा पुलिस स्टेशन आंध्र प्रदेश और दिशा एक्ट को पास करने वाला भी आंध्र प्रदेश राज्य है, याद रखिएगा। ओके दिशा एक्ट और दिशा बिल, ये दोनों ही जहां पर ये जो एक अभी हाल ही में घटना हुई थी उसके बाद, मनोहर पारिकर, सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी, जॉर्ज फर्नांडिस जी, करेक्ट आंसर यहां पर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 3, मनोहर पारिकर जी। गोवा के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, गोवा के CM भी रह चुके हैं और ये भारत के डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। इनका कुछ ही समय पहले आपका निधन हो चुका है। इन्हीं के सम्मान में इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज जो कि कहां पर मौजूद है, ये भारत के न्यू दिल्ली शहर में आपका मौजूद है, वहां पर ये ओपन किया गया है, याद रखिएगा। अरुण जेटली जी के नाम पर याद रखिएगा, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम, ये आपका नई दिल्ली शहर में मौजूद है। तो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम हाल ही में बदलकर अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया था, तो इनके नाम पर ये सम्मान है। सुषमा स्वराज जी की बात कर लेते हैं तो इनके नाम पर अंबाला हरियाणा में एक शहर है, तो हरियाणा के अंबाला शहर के बस स्टेशन का नाम बदलकर सुषमा स्वराज जी के नाम पर रखा गया था। तो साथ ही साथ इन चीजों को भी याद रखते हुए चलिएगा। अगला प्रश्न, एज पर द स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड्स रिपोर्ट 2020 विच बर्ड स्पीसीज शोड अ बिग इंक्रीज इन पॉपुलेशन, यानी कि स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड्स रिपोर्ट 2020 के अनुसार किस पक्षी की प्रजाति की जनसंख्या में बड़ी वृद्धि यहां पर दर्ज की गई है। हाउस स्पैरो यानी कि जो घर की गौरैया होती है, गौरैया का नाम आपने सुना होगा, ग्रेट हॉर्नबिल या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या इंडियन पीफोल, यहां पर बात की जाती है भारतीय मोर जो कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो मोर, इंडियन बस्टर्ड, हॉर्नबिल या फिर गौरैया या स्पैरो, किनकी संख्या में यहां पर बड़ी वृद्धि देखने को मिली है। पिछले 25 सालों में इनकी आबादी बढ़कर दुगनी हो गई है, जबकि बाकी पक्षियों की बात करते हैं भारत में इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अनुसार तो उन पक्षियों की आबादी भारत में गिरी है। करेक्ट आंसर यहां पर जो बनेगा, पीकॉक या पीफ्लो, पीफोल। ओके अंबाला शहर बस स्टेशन, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी के नाम पर बिल्कुल करेक्ट है। यहां पर करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय पक्षी मोर की
जनसंख्या में यहां पर वृद्धि देखने को मिली है, जबकि हाउस स्पैरो की बात कर लेते हैं तो आपने नई दिल्ली शहर का नाम सुना है, नई दिल्ली राज्य भी है, तो नई दिल्ली राज्य का जो राजकीय पक्षी है वो आपकी हाउस स्पैरो बनती है। ग्रेट हॉर्नबिल की बात करते हैं तो यह केरला राज्य का राजकीय पक्षी है, जबकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करते हैं तो यह राजस्थान का आपका राजकीय पक्षी आपका बनता है। लेकिन यहां पर मोर या राष्ट्रीय पक्षी मोर की आबादी में यहां पर बढ़ोतरी देखने को मिली है, बाकी सभी पक्षियों की आबादी में डिक्लाइन यहां पर देखने को मिला है। कल मैंने सभी से स्पैरो डे भी पूछा था, गौरैया दिवस भी पूछा था, अगर याद है तो वो भी टाइप करके कमेंट बॉक्स में यहां पर बता दीजिएगा। यहां तक सारी बातें क्लियर रही हो तो एक बार यस लिखकर बताइए, लाइक कर दीजिएगा सेशन को, अगर सेशन पसंद आ रहा हो दिल से तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है, यहां पर अगर पसंद आए तो लाइक यहां पर कर दीजिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन नहीं है बल्कि कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। प्रियंका की बात कर लेते हैं, प्रियंका का मतलब यहां पर प्रियंका चोपड़ा से है, प्रियंका गांधी जी से नहीं है, तो राजनीति से बाहर आइए। प्रियंका चोपड़ा भारतीय बॉलीवुड और हॉलीवुड अभिनेत्री हैं, आप सभी जानते हैं। बिकम दी फर्स्ट इंडियन एक्टर टू रीच 50 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। तो अभी अभी फेसबुक वाला जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि इंस्टाग्राम किसका एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, तो इंस्टाग्राम आपका फेसबुक का ही एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, ये भी आपको याद रखना है। तो इंस्टाग्राम पर 50 मिलियन फॉलोअर्स वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन बन गई हैं, प्रियंका चोपड़ा बन गई हैं। इसी हफ्ते की शुरुआत में याद रखिएगा विराट कोहली यहां पर 50 मिलियन फॉलोअर्स अक्रॉस करने वाले भारत के पहले भारतीय थे, जो कि एक क्रिकेटर हैं। ओके, और दीपिका पादुकोण यहां पर 30वीं पोजीशन पर आती हैं, जिनके करीब करीब 44 के आसपास मिलियन फॉलोअर्स हैं। तो इसी हफ्ते की शुरुआत में विराट कोहली ने इंस्टाग्राम, जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं और क्रिकेटर हैं, उन्होंने इंस्टाग्राम पर 50 मिलियन फॉलोअर्स का जो आंकड़ा है वो छू लिया है। प्रियंका चोपड़ा की बात करें तो अभिनेत्री या एक्टर एक्ट्रेस की बात करें, बॉलीवुड की बात करें, हॉलीवुड की बात करें, तो इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो प्रियंका चोपड़ा 50 मिलियन फॉलोअर्स को क्रॉस कर चुकी हैं। इंस्टाग्राम किसका एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, ये फेसबुक का प्रोडक्ट है। थर्ड पोजीशन पर जो आती हैं वो आती हैं आपके दीपिका पादुकोण, याद रखिएगा। आप बता सकते हैं कि प्रियंका चोपड़ा ने मिस वर्ल्ड या मिस क्या बोलते हैं उसको, मिस वर्ल्ड का एक टाइटल होता है, ठीक है, और एक टाइटल होता है आपका मिस यूनिवर्स, इन दोनों में से कौन सा टाइटल जीता था और कब जीता था, जरा सा टाइप करके मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगला प्रश्न नहीं है, एक फैक्ट है आप सभी के लिए। मैंने आपको बताया कि डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति हैं, 24 फरवरी को भारत पहुंच रहे हैं। जिस तरह से हाउडी मोदी कार्यक्रम आपका शुरू कराया गया था जब मोदी जी अमेरिका पहुंचे थे, उसी तरह से नमस्ते ट्रंप नामक जो कार्यक्रम है वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए यहां पर आयोजित कराया जा रहा है। वर्ल्ड्स बिगेस्ट क्रिकेट स्टेडियम यानी कि मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम में, अहमदाबाद गुजरात में। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो आधिकारिक हेलीकॉप्टर होगा उसका नाम जो है वो मरीन वन है। वैसे शायद ही एग्जाम में पूछे, लेकिन एक फैक्ट से एक फिगर है इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन यहां पर पूछ लेता है। मरीन वन इनका हेलीकॉप्टर होगा, जो कि सुख सुविधाओं से लैस होगा, सिक्योरिटी से लैस होगा, जो कि आपका इस स्टेडियम पर उतरेगा। इसके अलावा एयरफोर्स वन, जिस विमान से वो भारत पहुंच रहे हैं या जिस विमान से कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति कहीं भी जाता है उस विमान का नाम है एयरफोर्स वन। हर तरह की सुख सुविधाओं से लैस होता है एयरफोर्स वन, याद रखिएगा, और सिक्योरिटी पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट बनते हैं ये विमान। तो एयरफोर्स वन से वो अमेरिका से हिंदुस्तान पहुंचेंगे, जबकि स्टेडियम में वो पहुंचेंगे किस नाम के हेलीकॉप्टर से, मरीन वन नाम के हेलीकॉप्टर से, याद रखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट का नाम क्या था, अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट का नाम था जॉर्ज वॉशिंगटन, और ये 45वें नंबर के यहां पर प्रेसिडेंट बनते हैं। अब हम बात करेंगे स्टेट ऑफ द डे में, जिसका नाम है तमिलनाडु। तमिलनाडु की आप लोकेशन देख सकते हैं, तमिलनाडु पूरे भारत को अगर हम लोग यहां पर छोड़ देते हैं तो बिल्कुल साउथ टिप पे, साउथ में आपका यह राज्य मौजूद है। इसकी लोकेशन आप लोग यहां पर देख सकते हैं, थोड़ा सा कर लेते हैं मैप प्रैक्टिस, तैयार हो जाइए तमिलनाडु के बारे में रीड करने के लिए। मैप प्रैक्टिस में हमने ये देखा कि ये रहा आपका तमिलनाडु सर स्टेट, तमिलनाडु राज्य के साथ ये कौन सा राज्य है जो कि यहां पर टच करता है तमिलनाडु की बॉर्डर को। तो ये जो येलो कलर से मैंने यहां पर राज्य कलर कर दिया है, इस राज्य का नाम है केरला स्टेट। तो तमिलनाडु के साथ जो सीमाएं साझा करता है वो केरला स्टेट है। केरला स्टेट के ऊपर यहां पर एक स्टेट आप यहां पर देख रहे हैं, ये स्टेट केरल के साथ भी सीमाएं साझा करता है, ये स्टेट तमिलनाडु के साथ भी सीमा साझा करता है। इस स्टेट का नाम क्या है, इस स्टेट का नाम है सर कर्नाटका स्टेट। ओके सर, पहले अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं इस स्टेट की, तो ये है आपका आंध्र प्रदेश स्टेट। तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश
आपका कर्नाटका के साथ भी सीमा साझा करता है और तमिलनाडु के साथ भी सीमा आपकी साझा करता है। और बस ये तीन राज्य हैं जिनसे डायरेक्ट सीमा लगती है, तमिलनाडु की केरल, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के ऊपर आपका यहाँ पर तेलंगाना स्टेट भी आपका यहाँ पर मौजूद रहेगा। चलिए ये बात तो यहाँ पर क्लियर हुई। स्टेट हुड इसको कब मिला? 1 नवंबर 1956 को इसे राज्य का दर्जा मिलता है। टेक्निकल टीम इस तरफ ले आइएगा। कैपिटल की बात करते हैं तो चेन्नई यहाँ की राजधानी बनती है। चेन्नई की बात कर लेते हैं तो दो बैंकों का हेडक्वार्टर भी आपका चेन्नई शहर बनता है। एक तो है आपका इंडियन बैंक, इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर भी आपका बनता है चेन्नई शहर, और इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक का हेडक्वार्टर भी आपका बनता है चेन्नई शहर। तो ये दोनों पॉइंट यहां पर याद रखिएगा। जिलों की संख्या की बात करते तो 37 यहां पर टोटल जिले हैं, जबकि बनवारीलाल पुरोहित यहां के गवर्नर बनते हैं, ठीक है, और यहां पर ई के पलानी स्वामी यहां के क्या बनते हैं? चीफ मिनिस्टर बनते हैं। लोकसभा की 39 सीटें हैं जबकि राज्यसभा की यहां पर 18 सीटें मौजूद हैं। अगर हम लोग जानवर की बात करते हैं, एनिमल्स की बात करते हैं, तो याद रखिएगा नीलगिरी तहर यहां का क्या है? राजकीय पशु है, जो कि आप यहां पर इमेज में भी देख सकते हैं, नीलगिरी तहर। इसके अलावा एमराल्ड डोब नाम का जो पक्षी होता है, बर्ड होता है, ये यहां का क्या है? राजकीय पक्षी आपका बनता है। ट्री की बात करते हैं तो पाम नाम का जो ट्री है, कहां गया भैया ट्री, ये रहा ये ट्री, ये यहां पर आपका राजकीय ट्री बनता है, राजकीय वृक्ष बनता है। और कंधल नाम का जो फूल होता है, जो फ्लावर होता है, वो यहाँ का क्या बनता है? स्टेट फ्लावर आपका बनता है। ओके, आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजें यहां पर जानेंगे, इसी तरफ रखिएगा। अब एग्रीकल्चर की बात करते हैं, कृषि की बात करते हैं, इज अ मेजर ऑक्यूपेशन इन तमिलनाडु। तमिलनाडु के लोग मोस्टली कृषि ऑक्यूपेशन अपनाते हैं, मोस्टली लोग कृषि में लगे हुए हैं। फूड क्रॉप्स की बात करते हैं, जिनका इस्तेमाल मेनली खाने में ही किया जाता है, बेचने के लिए नहीं किया जाता है, अनाज के तौर पर जिनको उगाया जाता है, तो पैडी, मिलेट्स और पल्सेस, दालें हैं, बाजरा वगैरह है, पैडी है, राइस है, ये सब यहाँ की फूड क्रॉप्स हैं। कमर्शियल क्रॉप्स की बात कर लेते हैं, जिन्हें मोस्टली बेचने के पर्पज से उगाया जाता है, तो सुगर केन, गन्ना, कॉटन, कॉटन मतलब की कपास, ओके, सनफ्लावर, सूरजमुखी, कोकोनट, नारियल, क्रश्यू यानी जो कैश्यू होता है, कैश्यू मतलब काजू हो जाएगा, चिलीज है और ग्राउंड नट है, ये यहाँ पर मोस्टली आपके उगाए जाते हैं। कॉटन को आपको व्हाइट गोल्ड के नाम से भी कॉटन को जाना जाता है। कॉटन प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन भारत में स्टार्ट किया गया था। कॉटन के प्रोडक्शन को, कपास को बढ़ावा देने के लिए किस रेवोल्यूशन को बढ़ावा दिया गया था? तो सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन। गन्ना की बात अगर हम लोग कर लेते हैं तो गन्ना के उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश टॉप पोजिशन पर है, और गन्ना जो अनुसंधान केंद्र है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आपका मौजूद है। गन्ना अनुसंधान केंद्र या सुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आपका मौजूद है। प्लांटेशन क्रॉप्स की बात करते हैं तो यहाँ पर चाय है, कॉफी है, कार्डेमम, इलायची है, और रबड़ का उत्पादन भी किया जाता है, जो कि मोस्टली आपके वृक्षों से या प्लांट से आपके मिलते हैं। फेस्टिवल्स की बात करते हैं, कौन कौन से त्यौहार हैं, तो जल्लीकट्टू फेस्टिवल यहाँ पर होता है। जल्लीकट्टू जो आपका फेस्टिवल होता है वो पोंगाल, जो कि एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, किसानों का त्यौहार है, उसके तहत यहां पर मनाया जाता है। चिथरे फेस्टिवल भी यहां पर मनाया जाता है। अधिपुरुकु उत्सव भी यहां पर मनाया जाता है। नाट्यांजलि डांस उत्सव भी यहां पर मनाया जाता है। कांथूरी फेस्टिवल भी मनाया जाता है। विलंकन्नी उत्सव भी मनाया जाता है, और नवरात्रिनी फेस्टिवल भी आपका यहां पर मनाया जाता है। भरतनाट्यम यहां का प्रसिद्ध आपका क्या है? भरतनाट्यम एक यहां का प्रसिद्ध राजकीय डांस अगर हम बात करें, या ट्रेडिशनल डांस की अगर हम लोग बात करते हैं। इस तरफ टेक्निकल टीम, तमिलनाडु की बात करते हैं, कुछ प्रसिद्ध शहर हैं जिनके निकनेम्स आपके लिए जरूरी बनेंगे। जैसे कि चेन्नई शहर की बात करते हैं तो चेन्नई शहर को गेटवे ऑफ साउथ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। गेटवे ऑफ साउथ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया तो आपका मुंबई में मौजूद है, लेकिन गेटवे ऑफ साउथ इंडिया तो यह चेन्नई शहर को कहा जाएगा। कोयम्बटूर शहर की बात करते हैं तो इसे मैनचेस्टर कहा जाता है, साउथ इंडिया का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर कानपुर, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, तीनों अलग अलग चीजें हैं, याद रखिएगा। इंजीनियरिंग सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी कोयम्बटूर को यहां पर जाना जाता है। नीलगिरी की बात करते हैं तो नीलगिरी माउंटेन्स को ब्लू माउंटेन्स के नाम से भी जाना जाता है। मुद्रे जो शहर है उसे सिटी ऑफ फेस्टिवल्स के नाम से भी जाना जाता है। त्योहारों का शहर है आपका मुद्रे, याद रखिएगा। इसके अलावा तिरुनेलवेली इसे सिटी ऑफ पैडी फील्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। पैडी फील्ड्स पर ही आपका कंबाला भी आयोजित होता है, याद रखिएगा। पैडी फील्ड्स की अगर हम बात करें तो कंबाला, जो कि कर्नाटका का एक प्रसिद्ध जो आपका बफेलो रेस है वो आपकी होती है, और हाल ही में कंबाला रेस काफी चर्चा का विषय आपके लिए बनी रही। तो तिरुनेल वैली, सिटी ऑफ पैडी फ्लावर्स, याद रखिएगा। यहां तक की इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो लाइक थंब पर प्रेस करके आगे बढ़िएगा, कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा। नेशनल पार्क की बात करते हैं,
पोंगल एक आपका फेस्टिवल है, हार्वेस्ट फेस्टिवल है, जो कि वहां के किसान आपके मनाते हैं। एक फेस्टिवल है, एक त्यौहार है। अगर हम यहां पर बात करते हैं मन्नार की खाड़ी मरीन नेशनल पार्क, ये नेशनल पार्क आपका यहां पर मौजूद है। और अगर मन्नार की खाड़ी की अगर हम लोग बात कर लेंगे तो तमिलनाडु या यूं कहें भारत और श्रीलंका के बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में ये खाड़ी आपकी मौजूद है। तो तमिलनाडु भारत का सबसे दक्षिणी छोर बनता है और तमिलनाडु और श्रीलंका को अलग करता है, या भारत और श्रीलंका को कौन सी खाड़ी अलग करती है, तो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली खाड़ी का नाम है मन्नार की खाड़ी, जबकि पाक स्ट्रेट भारत और श्रीलंका को अलग करती है। तो जल डमरू मध्य की बात करेंगे तो पाक स्ट्रेट हो जाएगा। मुदुमलाई नेशनल पार्क यहाँ पर काफी फेमस है, मुखुर्थी नेशनल पार्क भी यहाँ पर काफी फेमस है, अन्नामलाई नेशनल पार्क भी यहाँ पर काफी फेमस है, और गुइंडी नेशनल पार्क भी यहाँ पर काफी फेमस है। ये सारे के सारे आपके नेशनल पार्क यहाँ पर बनते हैं। तो दोस्तों और मेरे साथियों, इसी के साथ यहाँ पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद है सेशन आप सभी को पसंद आया होगा, तो लाइक कर दीजिएगा। अगर कहीं पर कोई डाउट रह गया हो, अगर कोई भी भूल चूक सुधार का कोई भी यहाँ पर गुंजाइश हो तो बता दीजिए कि हाँ सर आप जल्दबाजी में ये चीज़ यहाँ पर गलत बोल गए, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। मैं वहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स पर एक सारी चीज़ यहाँ पर करेक्ट कर दूंगा। डोनाल्ड ट्रंप, नमस्ते ट्रंप जो इवेंट है उसको लेकर और भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर और डिफेंस डील को लेकर एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है द हिंदू न्यूज़पेपर में, जिसको हम लोग 8 बजे अभी कुछ ही समय के बाद डिस्कस करने वाले हैं द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में। और रोड सेफ्टी को लेकर भी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको लेकर भी हम सारी चीज़ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कई बार क्या होता है ना कि पूरा एक घंटे का ये सेशन हो जाता है, ठीक है, कई बार क्या हो जाता है कि जल्दीबाजी में फ्लो में कुछ चीज़ें यहाँ पर जानबूझकर नहीं, गलती से मान लेते हैं, दिमाग में केरला स्टेट चल रहा है तो कर्नाटका के, मतलब दिमाग में केरला चल रहा है, बताना कर्नाटका के बारे में है, तो कई बार क्या हो जाता है कि कर्नाटका के बारे में ही बता देते हैं केरल की जगह, तो कई बार वो ऊपर नीचे हो जाती है, उतना जल्दी समझ में भी नहीं आता, ठीक है। तो अगर कहीं भी कोई गलती हो जाए, मिस्टेक हो जाए, तो मुझे रियलाइज करा दीजिएगा, वहां पर उस चीज को अपडेट कर लिया जाएगा। ओके, कल भी मैंने अपडेशन आपके कमेंट बॉक्स में डाल दी थी, जो मैंने नेशनल पार्क आपको बताए थे वो कर्नाटका से संबंधित थे, लेकिन मैंने उनको गलती से वहां पर दूसरे राज्य के साथ उनको जोड़ दिया था, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। इसके अलावा भी कोई अपडेशन हो तो जरूर बता दीजिएगा, उनको यहां पर क्लियर कर लिया जाएगा। आपका ही सेशन है, आपका ही प्रतिदिन का ये सेशन है जिसमें मैं रोज आप सभी के साथ यहां पर जुड़ता हूं, तो बिल्कुल आपने सर को यहां पर उनकी गलती रियलाइज करा दीजिएगा। सारी चीजें ठीक हो सकती हैं, इंसान हम भी हैं, इंसान आप भी हैं, आप लोग भी एग्जाम में गलतियां कर देते हैं, हम लोग भी कई बार एग्जाम में गलतियां कर देते हैं, हम लोग लाइव सेशन में गलतियां कर देते हैं। रिकॉर्डेड सेशन हो तो उसको ठीक भी किया जा सकता है, ये बिल्कुल लाइव सेशन चलता है, इस वजह से कई बार थोड़ा सा मिस्टेक्स वगैरह हो जाती हैं, उसके लिए माफी। आज शाम 6:15 पर रीजनिंग की क्लास में जुड़ना मत भूलिएगा। एनटीपीसी के एग्जाम को देखते हुए जो लाइव टेस्ट है जिसमें 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 25 मार्क्स पक्के कराने के लिए रितिका महेंद्राज मैम आपके साथ यहां पर जुड़ेंगी, तो इस सेशन में भी यहां पर जुड़ना मत भूलिएगा। कंप्लीट ज्योग्राफी जिसमें अभी तक 9 से 10 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं और कुछ लेक्चर आपके पर डे बेसिस पे अपलोड यहां पर किए जा रहे हैं, तो आप इसे परचेज कर सकते हैं 599 के अमाउंट में। और कंप्लीट हिस्ट्री यहां पर परचेज कर सकते हैं राजेश महेंद्रा सर के myshop.mahendraj.org से। कल के सेमिनार के बारे में टेक्निकल टीम एक बार हमें यहां पर बैनर दिखा दीजिएगा कि कल के सेमिनार में क्या क्या चीजें होने वाली है। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है अंकित महेंद्राज, उसकी लिंक आपको यहां पर कमेंट बॉक्स में आपको मिल गई होगी। टेक्निकल टीम ने आप सभी के साथ टेलीग्राम चैनल की लिंक यहां पर शेयर कर दी है। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के नीचे भी मिल जाएगी, आप वहां से भी टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं। कल एक इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए मैराथन क्लास होने वाली है, टेक्निकल टीम जल्दी से उसके बारे में यहां पर दिखा दीजिएगा कि कल कौन सी मैराथन क्लास होने वाली है। एसबीआई एग्जाम्स को देखते हुए, एसबीआई का जो प्री एग्जाम है उसको देखते हुए कल आपके लिए एक मैराथन क्लास का आयोजन किया गया है, तो उस मैराथन क्लास में भी जुड़ना मत भूलिएगा। ओके दोस्तों, कल की मैराथन क्लास जिसमें आपकी यसी मैम, प्रवल सर और रितिका मैम आपके साथ यहां पर जुड़ने वाले हैं, ठीक है, और जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश के, ये आपको यहाँ पर लगातार 6 घंटे आपको क्लास देखने को मिलेगी सुबह 9 बजे से, तो इस क्लास में भी जुड़ना मत भूलिएगा। उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा। फिर से मिलते हैं 8 बजे, बिल्कुल बच चुके हैं, कुछ ही सेकंड्स में आपके साथ लाइव होंगे द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में, और कल सुबह 7 बजे एक बार फिर से कैलकुलेशन में। धन्यवाद। सब्सक्राइब नाउ